प्रॉपर चार्ज करा था, वो एक्चुअली टाइग्रेस थी वो बच्चों वाली, उसने। ये हमारे साथ बैठे हुए हैं उमर, ईशान, ये लोग भी थे उस वक्त, और हम उस टाइम पे वहाँ पे थे डिकाला, ग्रासलैंड। डिकाला में, ग्रासलैंड में थे, और हम टाइगर ढूंढ रहे थे उस टाइम। हमने अपने ड्राइवर को सख्ती से बोल रखा था कि हमें आज टाइगर देखना ही है, और ठंडी का दिन दिन था, आई थिंक कोहरा काफी था उस नहीं, टाइम, नहीं सही था टाइम से, ठंड थी शायद। ठंड थी, ये कोहरा 2018 की शुरुआत बता रहे हो कोहरा तुम, था काफी, जनवरी और कोहरा हम, था हल्का हल्का। हाँ, हम उतना कायदे से देख नहीं पा रहे थे चीजों को। तो हाथियों का झुंड हमारे सामने से गुजर रहा था, हमें लगा कि हाँ यही है, लेकिन एक हाथी ऐसा भागता हुआ साइड से आया, वो तो ड्राइवर की एक्सपीरियंस थे जो बच गए हम। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट चला बस करके सीधा आगे बढ़ा गाड़ी ली, के नहीं तो अगर, साइड में आ गया था। हाँ, अगर 2-4 सेकंड से भी लेट होते हैं तो वो हमारी गाड़ियों को पलट देता। और आप यकीन करें, इतना बड़ा जो आप नॉर्मल हाथी देखते हैं शहरों में या कहीं भी, हाँ, उनसे वाइल्ड उनका साइज, एलिफेंट्स जो होते उसके हैं वो साइज काफी डबल साइज होते बड़े हैं, होते हैं। डबल होते हैं। जो आवाज होता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने जनरेटर चला दिया बहुत हो, जबरदस्त, और क्या वो कैसे आवाज़ बात। ऐसी होती है कि दिल पे लगती है, दिल पे। अगर कोई, मतलब छोटा सा बच्चा सुन ले वहाँ पे, तो शायद वो बेहोश हो जाए, इतनी खतरनाक आवाज़ होती है। तो तो ये एक्सपीरियंस था, क्वेश्चन था कॉर्बेट क्यों। कॉर्बेट 3 वजहों की वजह से मैं आता हूँ, एक वाइल्ड लाइफ, एक नेचर और एक पीस। ये रात के 3 बज रहे हैं, और इस टाइम में जिम कॉर्बेट लवर जितने होते हैं वो सब सो रहे होंगे, लेकिन जो जोश और जुनून हम तीनों दोस्त हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, वो शायद मैंने किसी में नहीं देखा। ये वजह है ना, यहाँ 3 बजे अगर हम कैमरा घुमा के दिखाएं आप तो आप यकीन आप करेंगे यहाँ, साइड में पूरा अगर मैं जंगल आपको दिखाई यहाँ की देगा। वीडियो दिखाऊं, तो ये हम छोटी सी एक दुकान पे बैठे हैं, अगर मैं सामने का आपको वीडियो दिखाऊं तो शायद आप कुछ को देख नहीं पाए, उसमें इतना अंधेरा है, और इतना बैठे हैं, रिक्स पे बैठे हैं अपने, कोई बात नहीं, क्योंकि मोहब्बत करते हैं जंगल से, जंगल में अच्छा लगता है, और बिना रिक्स लिए तो कोई चीज़ हासिल नहीं होती। तो टाइगर तो एक ऐसा जानवर है, शाही जानवर है, जो हर किसी के सामने ना आता है, और बहुत मुश्किल होता है उसको देखना, जबकि हमने काफ़ी बार देखा है। लगभग सारे जोन में हम यहाँ जिम कॉर्बेट में जा चुके हैं। सबसे जो अच्छे टाइगर मिले हैं मुझे आज तक, जो सबसे अच्छा मेरा टाइगर से लवर, लव, प्यार जो भी कह सकते हैं उसको, जो बड़ा है, वो मुझे झरना में जाके मिला है। झरना में एक तो आपको सबसे ज़्यादा मेल टाइगर मिलेंगे। सर मैं 1 मिनट ईशान साहब को टोकना चाहूँगा। एक ईशान साहब, मुझे बहुत ही अच्छा किस्सा याद आ गया डिकाला का। डिकाला ही था, मैं, एहसान और मेरा भाई उस्मान और 2-3 दोस्त थे। हम सफारी करते मॉर्निंग से, कड़ाके की ठंड थी, जो हमें हाई बैंक पर टाइगर दिखाया था, और उस टाइगर ने हम पे प्रॉपर चार्ज करा था। वो एक्चुअली टाइग्रेस थी वो बच्चों वाली, उसने हमारी, बच्चों के साथ। हाँ, 2 बच्चों के साथ थी वो। हमारी गलती ये थी ड्राइवर की, उसने टाइगर देखा नहीं, उसने ऑल ऑफ अ सडन उसके साइड में गाड़ी जाके रोक दी। तो जैसे ही उसने गाड़ी देखी टाइगर, उसने तो हमारे ऊपर चार्ज करा। उसने अटैक तो मैं नहीं कहूँगा, अटैक तो यहाँ नहीं करते मोस्टली टाइगर्स, लेकिन जो उसने हम पे चार्ज करा, वो चार्ज भी ऐसा था कि वेरी क्लोज टू अटैक। मैं खड़ा हुआ था जीप के ऊपर उसके साइड्स में, उसका वीडियो बनाने के लिए। मैं इतना खौफ ज़्यादा हो गया था कि मैं वीडियो का बटन भी ऑन नहीं कर पाया था। इतना तेज़ उसकी जो रोड थी, जो उसकी दहाड़ थी, ऐसा लगा कि बस किसी ने 100,000 वाट का वूफर हमारे सामने रख के बजा दिया। उसकी बेस इतनी थी उस आवाज़ में। वाकई में उस टाइम तो वही सिचुएशन गुजर गई। उस दिन हम में से कोई अपने घर जाके सो नहीं पाया था। हमें लगा कि मौत हमसे सिर्फ 2 कदम की दूरी पे थी, तब हमें रात को एहसास हुआ। ये बहुत कम ही लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ हुआ जंगल में। लेकिन उस दिन के बाद से टाइगर के लिए हमारा लगाव और बढ़ गया था।
हम टाइगर को बुरा नहीं कहेंगे क्योंकि वो हमारे घर नहीं आता, हम उसके घर जाते हैं उसे देखने। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, इनको हमें बेयर करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। उसने चार्ज करा निकल गया, हमारी गलती। तो फिर हमने एक डिस्टेंस बना के रखा उससे कि उसको भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो और हमें भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। जो हमें देख रहे हैं जो वाकई में हार्डकोर नेचर लवर हैं, वाइल्ड लाइफ लवर हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम उनके लिए और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकें।